मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित आपदा प्रबंधन की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूदशाव तथा हिमाचल प्रदेश में ऐसे संभावित स्थानों की पहचान करने पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को आपदा के दृष्टिगत आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ाने तथा पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने किन्नौर, कुल्लू, चंबा तथा कांगड़ा जिला के उपायुक्तों को भूदशाव के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने तथा रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को भूस्खलन तथा भूदशाव व सड़क हादसों के ब्लैक स्पॉट्स की अलग अलग रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने विभिन्न आपदाओं से होने वाले नुकसान की विस्तृत जानकारी भी ली। उन्होंने आपदाओं से निपटने के लिए संस्थागत स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक तैयारियों को मजबूत करने व शमन और निवारक उपायों पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश में भूस्खलन प्रभावित स्थलों तथा सिंकिंग जोन का पूर्ण विवरण लिया। बैठक के पश्चात मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक के विषय में जानकारी दी। आज हमने डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग की है। जोशीमठ की घटना के बाद मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश के सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन है, उस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है। हमारी तैयारी हमने पूछा है, लेकिन जोशीमठ जैसी घटना हिमाचल प्रदेश में आने वाले वर्षों में होने की कोई संभावना नजर नहीं आती।